सब लोग दिख रहे क्या? हाँ बोल, बोला दिख रहा है। रक्षित नहीं दिख रहा, प्रकाश आ रहा है, मस्त दिख रहा है। Welcome to this weekly video on my channel. We're trying something new. My guy friends have no clue कि मैं क्या करने वाली हूँ. Okay, अभी मैं नंबर निकल My guy friends are gonna answer some questions which girls are too awkward to ask to boys. So मैंने यहाँ पे कुछ तो लड़की नहीं है मतलब. अरे मतलब मैं मेरे को नहीं ऑफर, मतलब नहीं तुझे, मतलब मुझे क्या ऑफर फील होगा तुम लोगों को पूछने के लिए? तो मैं भी कुछ लड़के तो लड़की कौन है लड़की है हां, तो मैं भी तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूं, तुम लोगों को उसके ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए रक्षित डॉज मत कर, डस साइज मैटर? इसके लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसके लिए? हम लोग सबका छोटा है, इधर सब लोग अरे बोलो यार, लड़कों का नहीं लड़कियों का. एक 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 को आंसर देना है, सबको देना है एक एक को. रक्षित क्या क्या डस साइज मैटर? किसका? अरे मूली का, ककड़ी का, करेला का. लड़कियों का बोला? अच्छा नहीं, मतलब लड़कियों का. अच्छा हाँ, यू हैव टू मेंशन इट. बोला ना, गर्ल्स हैव टू एंबैरस्ड एंड ऑकवर्ड टू आस्क, समझ जा किसका. अच्छा मतलब लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का. बोल यार, ये लोग जितना कूल कैमरा के सामने बन रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा फट्टू है. ये नहीं, द्विज नहीं, विक्रांत. तो ये इतना कूल बिल्कुल भी नहीं है. सेकंड क्वेश्चन इज, बिगेस्ट टर्न ऑन इन अ गर्ल अकॉर्डिंग टू यू? सबको पूछ रही हूँ, इधर से स्टार्ट हो रहा है. ऑकवर्ड नंबर वन, ऑकवर्ड नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव. ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो पर्सनल नहीं, पहले तू बोल. विक्रम बोल, क्या बोला तूने? बोल, मेरे को सवाल समझा नहीं उसने बोला. मैंने पूछा कौन सा एक चीज लड़की में जो तेरे को टर्न ऑन कर सकती है. देख देख, तू देखते है टर्न ऑन, ये ऑन वाला क्वेश्चन कि यार तुम्हें आंसर नहीं दे रहा. हां बोल रही थी. नेक क्या ना है? ओके, चेस्ट, नी, ब्रेस्ट, फिगर, फिगर. फॉर द्विज इट्स द फिगर और नेक एंड नेक. द्विज ने आंसर दिया है फिगर एंड नेक. लेग्स तो शर्मा ना के लेग्स ऐसे क्यों बोल रहे? बिंदास बोलना. लेग्स इज दैट थाइस बोल सो ऑन. नेक एंड आर ग्लास, आर ग्लास फिगर. थाइस एंड मोस्टली रक्षित का अभी तक आंसर ही नहीं है. अच्छा मितेश को लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं. ये एक कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेट पे रहता है. माई गाय फ्रेंड्स आंसर ऑकवर्ड क्वेश्चंस व्हिच गर्ल्स आर टू एम्बैरस्ड टू आस्क. ये एक्चुअली उसी रिलेटेड है. डज फिगर मैटर? नो, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ चाहिए. विक्रांत ने आज तक डेट नहीं किया है, रेफरेंस के लिए बता रही हूँ. डू गाइज लाइक इट इफ द गर्ल मेक द फर्स्ट मूव? विक्रांत के ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है. डू गाइज लाइक इट? ओके यस, मतलब सबका आंसर यस है. वन थिंग यू वोंट लाइक इन अ गर्ल? टर्न ऑफ जैसा कुछ बोलता है. बैड ब्रेथ, बैड ऑडर. अच्छा बॉडी स्मेल? बॉडी तो रही है ना, सब पसंद है. क्या बकवास है यार विक्रांत. सो सॉरी. हाँ अगेन. हाँ चल. बैड वे ऑफ टॉकिंग. बैड वे ऑफ टॉकिंग. नहीं तू क्या यार, नहीं था ये, मैं ही बोलना ना था, उसने बराबर बोला, फ्रेम किया. हाँ सो वन बैड ब्रेथ. ओके
सो बैड वे ऑफ टॉकिंग, बैड ब्रेथ, विक्रांत तू चुप बैठ, एंड बैड बॉडी ओडर. ओके सबसे वाहियात वीडियो रहने वाला है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. व्हाई डू गाइस गिव मिक्स सिग्नल्स? मतलब वो लोग लड़के ऐसे बोलते कि आई लाइक यू, फिर चार दिन के लिए रिप्लाई नहीं देते. जस्ट फॉर बेड थिंग्स. जस्ट फॉर बेड थिंग्स, इलैबोरेट प्लीज. वन नाइट स्टैंड. बट मिक्स सिग्नल्स क्यों देते हैं? मतलब ऐसा लटका के क्यों रखते हैं? फिर अच्छे से भी बिहेव करते हैं, फिर नहीं भी. दैट्स व्हाट, एक बार हो गया तो दैट्स इट, तब तक के लिए तो अरे क्यों देते हैं, पूछ रहे हो क्यों? लेकिन क्यों करते लड़के ऐसा? कौन ढूंढने नहीं कर रहे अरे यार, पर जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या पता उसकी सोच रही है अलग, अपन भी मिला नहीं इसलिए बात नहीं करते. ऐसा लग रहा है. अरे हाँ, बेसिकली लड़के फालतूगिरी क्यों करते हैं? लड़के ऊपर के दावे क्यों देते हैं लड़कियों को कि तू अच्छी दिखती है, तू बहुत प्यारी है यार, के बाद उसके लिए तो ये क्या है, ऐसा क्यों करता है, कब करता है? अच्छा, जस्ट फॉर फन, मतलब हराम है. यार एन आंसर, किसके लिए? उसके लिए. अच्छा, उसके लिए. हां, सेक्स के लिए. सेक्स के लिए. ओके, मतलब लड़के घोस्ट करते हैं क्योंकि उनको बस काम से काम रहता है. काम से काम फिर हो गया तो. पर नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए एज अ डिबेटेबल क्वेश्चन. मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए? ये हो जाएगा, ये कोई भी कर सकता. तो नहीं करना चाहिए तो लड़के की तरफ से भी नहीं करना चाहिए. हाँ, कोई नहीं करना चाहिए. हाँ, करना ही नहीं चाहिए ना. एग्जैक्टली. डिबेटेबल मतलब फिर ऐसा लगता है तू बोल रहा करेक्ट है ऐसा. नहीं मतलब तूने ऐसा बोले कि लड़के के हिसाब से वो पॉइंट आउट हुआ ना, उस हिसाब से बोला किसी को भी नहीं करना चाहिए ऐसा. डज इट मैटर इफ शी इज मोर एक्सपीरियंस देन यू? नो, इट माइट हेल्प. इट माइट हेल्प. आई बी मोर देन हैप्पी. नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. देखो नहीं चाहिए कि लड़की को तेरे से पहले कुछ आता हो. नहीं मतलब. अच्छा, यू इट वोंट मैटर एट ऑल. अच्छा, इट वोंट मैटर एट ऑल, ये बोला नॉट एट ऑल. तो आर बॉयज इमोशनल? यस, अलॉट. वे मोर देन गर्ल्स बट दे डोंट लेट इट आउट. अच्छा, ओके, सो बॉयज आर इमोशनल वे मोर देन गर्ल्स बट दे डोंट शो इट, लेट इट आउट. ओके, डू यू थिंक पजेसिवनेस इज क्यूट? यू नो. शी यार, विक्रम गाली देना है. नहीं नहीं. अच्छा, रक्षित. फॉर सम थिंग्स बट नॉट एग्जैक्टली पर्सन, जस्ट टू लेट अप द बॉन्ड. क्या जो बॉन्ड है उसको लेट करना, थोड़ा बहुत केयरिंग. केयरिंग तक ठीक है. केयरिंग हां, ठीक के पैसे से वैसे नहीं. फिर वो थोड़ा ऐसे गले पे आ जाता है, थोड़ा ऐसे इरिटेटिंग. ऐसा पर्सन केयरिंग वो ठीक है. क्यों गया उधर? किसके साथ था? स्वीटी के साथ फोटो क्यों निकाला उस टाइम पे? कॉन्वर्सेशन लेट अप करना है तब ऐसे मस्ती कर सकते क्यों करके, एंड देन वी कैन गेट बैक. क्यूट लेवल तक ठीक है, फिर थोड़ा गले पे. व्हाट डू बॉयज डिस्कस अबाउट व्हेन गर्ल्स आर नॉट अराउंड? पबजी तो बोल रही है रक्षित. ओके, रक्षित का आंसर है पबजी. विक्रांत, इसका बड़ा कि उसका बड़ा है. ये भाई सच्ची बोल रहा है भाई. ओके, क्या मिला कि नहीं? सेक्स. कट कट, बहुत कुछ कट करना पड़ रहा है इसमें. व्हिच इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑलवेज अबाउट सेक्स एंड फिगर, बट इट्स आल्सो अबाउट बिहेवियर्स एंड मेंटालिटी. करियर, अबाउट देयर मैच्योरिटी लेवल. मैच्योरिटी लेवल. मतलब लड़कियों के नेचर के बारे में भी बातें होती हैं. ये ऐसा लग रहा है एक साथ तू लेके कोर्ट में रखने वाली है. जज साहब, ये देखिए इन हरामी लड़कियों को. नहीं यार, मेरे को सब पता है. यही साबित करना चाहती थी मैं, बट पिछले कुछ सालों से कर नहीं पा रही थी. आज मौका और दस्तूर दोनों ही मिल गया. मेरे को साबित करने की जरूरत ही नहीं, मैंने सब फर्स्ट हैंड देख लिया तुम लोग के साथ. फर्स्ट हैंड तुम लोग के साथ, मतलब तू भी आते उसमें. Mind buying pads or tampons for your female friends? Or I wish I could be prepared for all the time. मैं अपने bag अपने bag में लेके चल सकता हूँ जब भी किसी को जरूरत हो सकता हूँ, but then it will be awkward for everyone else. मतलब you won't mind? हाँ, sometimes लड़कियाँ भी थोड़ा बहुत awkward में लेने लगते, तू क्यों carry कर रहा है? So तू बाहर क्या देख रही है? वीडियो चल रही है. अच्छा, मतलब you won't mind, विक्रांत? I won't. So one won't. Which? लिया विदेश. डज अ गर्ल्स हाइट मैटर? मतलब शॉर्ट, टॉल, लंबी, बंडली, सब कुछ. शॉर्ट रही तो क्यूट, टॉल रही तो हॉट, मीडियम रही तो ब्यूटीफुल. ओह, व्हाट लव सम फॉर योर. डजंट मैटर ना, मुझे भी नहीं लगता. आई डोंट नो, मैं को बस चाहिए. किसी किसी को होता है
बहुत ज्यादा हाइट, पर एक बार अच्छा लगने के बाद फिर ऐसा इतना कोई देखता नहीं हाइट में छोटी है। कंफर्टेबल होने के बाद में क्या मैटर है, इसीलिए बनाया था। हो गया विक्रम, रक्षित ने आंसर ही नहीं दिया। रक्षित के इससे आंसर मिल जाए, उसको सेम हाइट की पसंद है। ओके, बूब्स और बट मिथिश ऊपर देखे क्यों बोल रहे, बूब्स ऊपर ही था ना, उसको लग रहा था उसकी लड़की हाइट में लंबी रहेगी। ओके बूब्स also, but I had only two any one option to choose, that's why. दोनों मतलब, but दोनों में से एक अगर choose करना तो boobs, नहीं तो butt. boobs बोला मैंने, सबने boobs बोला है। हाँ क्योंकि क्योंकि first impression यही चाहिए, मतलब first impression ऐसा कि सामने आती है। नहीं नहीं हाँ, ये preference अगर लड़की आ रही है तो उल्टा चल के थोड़ी ना आएगी, तो पहला तो first impression तो boobs ही होगा, तो obviously boobs ही, and then we'll. When you start dating someone, do you think about marriage immediately? I might. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvaja. But I don't do that. Aagyakari Patidev. But हाँ mostly नहीं यार, मतलब immediately कैसे सोच सकते हो? Immediately नहीं, but obviously date करने के से पहले ही सोच लूँगा कि हाँ this will be good for my future. I won't date her casually. अरे ठीक है, मतलब इतना कॉन्शियस क्या होने का है, मैं वही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कैजुअल डेटिंग और सीरियस डेटिंग। ऐसा मतलब मुझे लगता है कैजुअल डेटिंग आल्सो लाइक फाइन, मतलब मैंने सोचा एक हाथ तो कोई ऑन अ ग्राउंड लेवल आई डोंट फील की 24-25 के बाद सीरियस, उसके पहले एवरीवन शुड बी कैजुअल, मतलब इट्स ओके टू बी, इन फैक्ट इट्स गुड टू बी इन अ कैजुअल रिलेशनशिप, प्रायोरिटी सीरियस है, अगर प्रायोरिटी सीरियस है, अगर कैजुअल से सीरियस हो गए तो अच्छी बात है। हां प्लीज यार, कोई भी एक लड़की भी जिसको लग रहा है विक्रांत को डेट करना है, प्लीज हाथ जोड़ के हम लोग भेजेंगे डेट पे, जहाँ पर बैंगलोर कश्मीर दिल्ली कहाँ पर मैं टिकट भेजूंगा मुंबई आने के लिए, मैं स्पेशली एक बंदी, एक बंदी बस आने का और यहाँ पर रहने का भी सब कुछ पैसा हम लोग का, बॉम्बे की प्रेफरेंस बॉम्बे रहेगा, वो सब का पैसा हम लोग सब लोग ऑटो करेगा, आने जाने का खर्चा मैं करूंगा, स्पेशली डेट मैं प्लान करूंगा। हाँ और ट्रेन यार, फ्लाइट भी ठीक है, अभी इमरजेंसी विक्रांत को चाहिए तो फ्लाइट टिकट हो जाएगा प्लीज, और पिक करने के लिए पुलिस की गाड़ी आएगी, पुलिस की गाड़ी, उसके बाजू में उसको पप्पा कितना ऑकवर्ड होगा, उसके डैड जाएंगे पिक करने को लड़की को, नहीं चलाएगा ये, बाजू में पप्पा बैठेंगे उसके। यार एक बस एक एक कमेंट नहीं, एक लड़की कमेंट नहीं तो इंस्टाग्राम पे शर्दी के प्रोफाइल में जाके चेक करो विक्रांत को, एक जो भी पसंद है बाजू में बैठेगा, आई प्रॉमिस इतना जल्द। रक्षित पूरा ने फोन पे था, वे नीचे दिख रहा था, क्या दिख रहा था नीचे, नीचे दिख रहा था, सुनना दूर पड़ रहा था, क्या लिया है। ओके गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो विद माय गाय फ्रेंड्स, लेट मी नो द कमेंट, रक्षित का फोन बजा, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो वीडियो कैसा लगा, इफ यू वांट मी टू शूट मोर सच फन वीडियोस विद देम प्लीज टाइप इट डाउन, ये क्या है तो पेट है। Thank you so much for watching the video, guys. Do subscribe to my channel, Controversial Kid. Also, don't forget to comment about Vikrant. हाँ, Vikrant and everybody. अगर और कुछ questions हैं किसी के लिए तो you can comment below. Please, it's an honest request. Not even kidding about it. Oh, I'm getting whipped tonight. No, no, no. Kela. पहले तू ही ऐसा चिल्ला रही, हाँ विक्रांत अपना वो था ना।
Bye guys. Bye.